नमस्कार, मैं हूँ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का धौलपुर में किया गया जोरदार स्वागत। रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शनिवार रविवार की रात 11 बजे धौलपुर रेलवे स्टेशन पर करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया और पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आमजन ने ट्रेन का पुष्प बरसा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ट्रेन के पायलट सहित स्टाफ को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली की ओर रवाना किया था। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और पूरी तरह स्वदेशी ट्रेन है। वैसे फिलहाल इसका धौलपुर में ठहराव नहीं है, लेकिन उद्घाटन सत्र में इसे आमजन के अवलोकन और स्वागत के लिए धौलपुर में इसका ठहराव किया गया। वैसे तो ट्रेन को करीब 8:45 पर धौलपुर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में जगह जगह ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ और लोगों ने सेल्फी ली तथा ट्रेन को निहारा, इसलिए ट्रेन रास्ते में लेट हो गई, जिस कारण ट्रेन रात 10:58 पर धौलपुर आई, जहां भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन, महिला और बच्चों तक ने इसका भव्य तरीके से स्वागत किया। खास बात ये रही कि इस ट्रेन को लेकर लोगों में बड़ा उल्लास था, जिस कारण छोटे बच्चे भी रात 11 बजे तक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इससे पूर्व रेलवे स्टेशन पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच पर स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, विवेक सिंह बोहरा, भाजपा के बाड़ी के प्रभारी प्रशांत सिंह परमार आदि मंच पर मौजूद रहे, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन की खूबियों के बारे में आमजन को बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में किए जा रहे नए नए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान भाजपा नेता हरिनिवास प्रधान, धीर सिंह जादौन, विशंबर दयाल शर्मा, विष्णु सिंघल, कमल पहाड़िया, राघवेंद्र उपाध्याय, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेला, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, राहुल सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन के आगमन पर पुष्प बरसा कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद सांसद मनोज राजौरिया और पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने धौलपुर से आगरा तक ट्रेन की यात्रा की और ट्रेन का अवलोकन किया। जानकारी के अनुसार ये ट्रेन नई दिल्ली और रानी कमलापति भोपाल की दूरी 8:15 में तय करेगी। ये सप्ताह में शनिवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। ये भोपाल से नई दिल्ली के लिए सुबह 5:30 रवाना होगी, जो आगरा कैंट पर 11:23 पर आएगी। यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद प्रस्थान करेगी और दिन में 13:45 पर नई दिल्ली पहुँच जाएगी। वहीं नई दिल्ली से 14:30 पर रवाना होगी, जो आगरा कैंट पर 16:20 पर आएगी और शाम को 22:35 पर रानी कमलापति भोपाल पहुँच जाएगी। फिलहाल इसका धौलपुर में ठहराव नहीं है। खुद की शादी का कार्ड देने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार देर रात्रि को सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार ने धौलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। 21 वर्षीय मृतक युवक ब्रजमोहन पुत्र लक्ष्मी निवासी धिमसरी आगा के भाई पॉप सिंह ने बताया कि 2 मई को ब्रजमोहन की शादी होनी थी। शादी का कार्ड देने के लिए ब्रजमोहन बाइक से माता रहनावाली के मंदिर गया था। मंदिर पर कार्ड रखने के बाद जब वह वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी राजाखेड़ा चौराहे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। थाना प्रभारी गंगा साय ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहाँ उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक शमशाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। पुलिस हादसे को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश कर रही है। मूक बधिर महिला के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के सर्वतनाथ थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला खेत पर से वापस लौट रही थी, इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।
महिला ने घर जाकर इशारों में घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिस पर मूक बधिर महिला के पति ने सरमतरा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सरमतरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित मूक बधिर महिला एवं उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 29 मार्च को दोपहर के समय महिला खेत से वापस लौट रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला को रास्ते में जबरदस्ती रोककर उसके साथ मारपीट की गई और पास में ही बनी पत्थर की खान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला मूक बधिर होने के कारण घर वालों को कुछ नहीं बता सकी और जब महिला का पति घर आया तो महिला ने इशारों में पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिला का मेडिकल करा लिया है और पुलिस पूरी घटना की गहराई से जांच कर रही है तथा आरोपी की तलाश कर रही है। दिनांक 29 मार्च 2023 को दोपहर 3 बजे की घटना बताते हुए एक महिला ने सरमतरा थाने पर एक रिपोर्ट पेश की है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार संबंधी, तो उसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है। अब नहीं सताएगी गर्मी, गर्मी के मौसम में एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाए आकर्षक छूट ऑफर, आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। रामनवमी के अवसर पर 5 दिन और बढ़ाया ऑफर, जीके ग्रीन वेले में प्लॉट खरीदने पर स्पेशल ऑफर, प्लॉट बुक कराने पर प्रत्येक प्लॉट पर 100 ग्राम चांदी उपहार में भेंट दी जाएगी, निवेश आपका साथ हमारा, शानदार प्लॉट ही प्लॉट, गेट वन कॉलोनी, चौड़ी सड़के, पूर्ण सुरक्षा, प्राइम लोकेशन, नगर परिषद से प्लान अप्रूव्ड, लोकेशन मित्तल कोर्ट के पास, जीटी रोड, धौलपुर। ऑफर में प्लॉट खरीदने का ये अंतिम अवसर, ऑफर समाप्त होने पर दरें बढ़ाई जाएगी, इसलिए शीघ्र संपर्क करें। गणेश कुमार गर्ग, आकाश गर्ग, राजकुमार गर्ग, पप्पू जाट, बबलू शर्मा, अविनाश गर्ग, राजकुमार अग्रवाल। मेला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजेश्वरी माता रानी मेले में नगर पालिका द्वारा नव दुर्गा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप खेल मैदान स्थित मेला मंच पर कई प्रकार के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शनिवार की रात्रि को मेला रंग मंच पर बाबा खाटू श्याम के संकीर्तन के साथ मेले का विधिवत समापन किया गया। इस दौरान आगरा से आई श्याम सखियों ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शक झूम कर नाच उठे। पूरा कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। मेला संचालक बाबूलाल पुरश्रेष्ठ ने बताया कि नगर पालिका द्वारा आयोजित किए गए इस नवदुर्गा महोत्सव में मेला रंग मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कव्वाली, नौटंकी, भीम जागरण, देवी जागरण सहित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शनिवार की रात्रि मेले के समापन पर श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें बाबा खाटू श्याम का दरबार लगा। आगरा से आई श्याम सखी गौरी और साक्षी के साथ आकाश गुप्ता और बंसी वर्मा ने मेला मंच से भजन और गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि मंच के साथ बाबा खाटू श्याम के प्रेमी और भक्त झूमकर नाच उठे। इस दौरान मेला मैदान पर हजारों की संख्या में लोग और बाबा श्याम के संग भक्त मौजूद रहे। बाबा खाटू श्याम के जागरण से पूर्व मंच पर अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल, बाड़ी अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल सहित सीओ पुलिस मनीष कुमार शर्मा ने अतिथि के तौर पर बाबा श्याम के जागरण कार्यक्रम में पूजा अर्चना की, जिसके बाद खाटू श्याम का दरबार लगा और भजन एवं गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, संवेदक ब्रजेश परमार, मोहन सर्राफ, अग्रसेन शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, परमात सेवा समिति के राकेश गर्ग, टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज किलेदार सिंह सहित ट्रैफिक पुलिस जवान और अन्य अतिथियों का मंच से सम्मान किया गया। वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, गौतम सिंह सहित पार्षद और नगर पालिका के अधिकारियों ने रंगमंच के सफल आयोजन को लेकर जनता का आभार जताया। उनकी तरफ से आयोजन हुआ है और हमें भी बुलाया गया, बहुत खुशी है
और यहाँ के भक्तों ने जो बाबा के प्रति भाव रखा है वो बहुत अच्छा लगा हमको, और हम यही चाहते हैं कि यूं ही बाबा की भक्ति सबके दिल में बसती रहे। हम लोग आज बाइक फर्स्ट टाइम ही आए, बहुत अच्छा लगा, यहाँ के भक्त बहुत अच्छे थे, बहुत आनंद आया, हमको भी आया। ये पूरा बाड़ी। साली के साथ दुष्कर्म करने वाला जीजा गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए एक साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी ही साली का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को सोने का गुर्जा क्षेत्र से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां से पूछताछ के लिए पीसी रिमांड पर लिया गया है। बसई डांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि मुखबर की सूचना पर एक बरस से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के खारिया गांव में देखा गया, जहां पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलबीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बसई डांग थाने पर पीड़िता ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने 25 जनवरी 2022 को बसई डांग थाना में मामला दर्ज कराया था। चालानशुदा 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादरपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए 10 वर्षों के चालानशुदा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामवतार बैरवा ने बताया कि धौलपुर SP मनोज कुमार के निर्देशन में पुलिस ने क्षेत्र में 4 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने तिलौआ निवासी प्रेम सिंह पुत्र रामचरण जाटव, नादनपुर निवासी कल्याण सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ठाकुर व ओमवीर पुत्र राजाराम ठाकुर, बडरिया निवासी चंद्रभान पुत्र शिव सिंह जाटव, मठ पिपरौंदा निवासी विजय सिंह पुत्र रामचरण और कहारपुरा चंद्रावली सरमथरा निवासी बने सिंह पुत्र गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। मील का पत्थर साबित होगा अग्रवैश्य महाकुंभ में, राजेश एरन। अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा अग्रवाल महाकुंभ 2023 का आयोजन फूलबाग मैदान ग्वालियर में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के अग्रबंधु भी शामिल हुए। अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा यह सोमा अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन अग्रवाल युवक युवतियों का परिचय कराया जा रहा है, जिसमें देशभर के हजारों अग्रबंधु कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शाम को माता का जागरण, घाटू श्याम जी का जागरण आदि सहित कवि सास भी कवि बहुत ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज यहाँ ग्वालियर के फूलबाग मैदान में एक बहुत विशाल आयोजन जो कि अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा आयोजित है और अग्रवेश महाकुंभ के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि अग्रवाल समाज ने वेश समाज के साथ मिलकर यह आयोजन किया है और वेश समाज के जो वर्ग होते हैं मेन जैसे गभोरी समाज, कंडेलवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, इन सबको एक साथ इकट्ठा करकर और ये आयोजन में उनको आमंत्रित किया गया है और इनके जो परिवार के बच्चे हैं, विवाह जो बच्चे हैं। मेरा नाम बबीता अग्रवाल है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ अग्रवाल के परिचय सम्मेलन की। जैसा कि हमने इस परिचय सम्मेलन को महाकुंभ का नाम दिया था और वो भी साबित भी हो गया है कि बिल्कुल ही महाकुंभ का ही नजारा नजर आ रहा है और ये 5 दिन से हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार और जानदार, हम लोगों की मेहनत भी सार्थक हो चुकी है। हमारा अग्रवेश महाकुंभ 5 दिन का आयोजन है, 5 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारे ये 14 दिन है जिसमें हमारे परिचय सम्मेलन के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं, हर रात हम लोग जागरण भी हो रहे हैं। एक दिन खाटू श्याम, आज खाटू श्याम जी का जागरण है, इसमें किला मैया का जागरण हो चुका है और बाबा का हमारा जागरण हो चुका है। कल हमारी एक कॉम्पिटिशन थी, सास भी अभी बहु थी। आज अच्छा गुप्ता है, मैं गौई वैश्य समाज से हूँ। आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश एरन जी द्वारा ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अग्रवैश्य महासम्मेलन के नाम से, जिसमें समस्त घटक इसमें आ रहे हैं। कुछ वैश्य गौई समाज के भी लोगों ने अपने बच्चों के परिचय यहाँ कराए हैं और हमारा आगे भी बहुत बड़ा प्लान है कि हम आगे भी सारे घटकों के बच्चों के अधिक से अधिक, ताकि रोटी बेटी का संबंध हम आगे बढ़ा सकें और समाज के सभी लोगों को जो खासतौर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। BPL परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर,
ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से। मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉइड टीवी भी आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध है। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। टक्कर से घायल हुए युवक ने ग्वालियर में तोड़ा दम। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के महाराज प्राज चौराहे पर शनिवार देर रात को बाइक सवार युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसने ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन सबको लेकर जिला अस्पताल धौलपुर आए। सदर थाने के हेड कांस्टेबल नरेश परमार ने बताया कि बाइक सवार 26 वर्षीय युवक यतेंद्र शुक्ला पुत्र ब्रजकिशोर शुक्ला निवासी बाड़ी बाइक से आगरा रिश्तेदारी में गया था। आगरा से लौटते वक्त युवक ने बाइक महाराजपुर चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी कर दी, जिसके बाद वह सड़क के दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। तभी आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग संख्या 44 को क्रॉस करते वक्त आगरा की ओर से आ रही एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर दिया गया, जिसकी ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आज रविवार सुबह जिला अस्पताल धौलपुर में सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव बने कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष। धौलपुर शहर में श्री चंद्रगुप्त समिति धौलपुर कायस्थ समाज की बैठक चित्रगुप्त मंदिर बामतीपुरा में हुई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को निर्विरोध कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद विजय प्रकाश सक्सेना ने कहा कि समाज की एकता एवं उत्थान के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ ने समाज में युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के एकता बनाए रखने के लिए जिला अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति के साथ ही किया जाना चाहिए। नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी को साथ लेकर समाज का कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक का संचालन पूर्व महासचिव केशव सक्सेना ने किया। संघ के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर हुई बैठक। धौलपुर शहर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा धौलपुर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महासंघ द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के संबंध में चर्चा की गई। महासंघ द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाम में सम्मिलित होने की सूचना 4 अप्रैल को अपने अपने विभाग अध्यक्ष को देनी है। 10 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जिला कलेक्टर को महापड़ाम में सम्मिलित होने के लिए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन एवं मांग पत्र दिया जाना है। जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अंशुमान सिंह वरिष्ठ सहायक राजस्व विभाग के द्वारा की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोपाल अवस्थी, महामंत्री नरेश परमार, देशराज गुर्जर, राजीव शर्मा, हिमांशु, अनुराग सक्सेना, प्रशांत सोनी, शेखर सूरज कुमार आदि मौजूद रहे। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं।
जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से साय 7 बजे तक। हमारे यहां राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयां फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।